हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल दैट इज सक्सेस पाथ। ड्यूरिंग द सिचुएशन ऑफ लॉकडाउन व्हाट्स गोइंग ऑन? ऑब्वियसली नथिंग स्पेशल। सो इन दिस लॉकडाउन सिचुएशन इन विच वी हैव इनफ टाइम फॉर स्टडिंग, आई एम गोइंग टू डील अ सिंपल एंड इम्पॉर्टेंट आर्टिकल दैट इज वर्क। This topic is not important only from study point of view. In fact, this topic is very important from competitive point of view, like JEE Mains. Force. The topic of force I will discuss only because of this, the total article of our today class, that is work, is totally based upon this article. Second is introduction of work. In this article, what is work according to our simple life and what is work according to our physics, we will discuss in this article. Third one is type of work. Actually, work is categorized in some type. We will discuss in this article about this. And the fourth one is work done by a constant force. What will be the expression of work done by a constant force? We will get in this article. Now, first of all, I'm going to discuss about force. What is force? To understand this article, first of all, I am going to take some example of our daily life. In our daily life, if a body is at rest, then it tries to remain at rest. What does it mean? To discuss this, let us consider this is a football. And in the beginning, this football is at rest. And if any person kick this football, then what will happen? This football comes in motion. यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं, हमने सबसे पहले एक फुटबॉल ली, फुटबॉल स्टार्टिंग में रेस्ट पर है, लेकिन जैसे ही किसी पर्सन ने इसको किक किया तो फुटबॉल क्या हो गया, मोशन में हो गया। एंड ऑल्सो वन मोर एग्जाम्पल विच इज टोटली अपोजिट ऑफ दिस एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू डिस्कस। इंस्टेड ऑफ फुटबॉल आई एम गोइंग टू टेक अ सिंपल बॉल एंड लेट अस कंसिडर इन द बिगिनिंग दिस बॉल इज इन मोशन। If this ball is in motion and also let us consider this ball is going in this direction and if I am put my hand in the path of motion, then what will happen? Then definitely the ball will stop. So that means any physical quantity in which the motion is totally opposed, that means जैसे हमने यहाँ कहा था कि body कहाँ थी, पहले वो rest पर थी, rest की position को हमने क्या किया, kick करके इसको motion में कर दिया। बट इन दिस सिचुएशन इन द बिगिनिंग द बॉडी इज इन मोशन, लेकिन जैसे हमने इसके मोशन वाले पाथ में हैंड लगाया तो क्या हुआ, बॉडी जो है हमारी रेस्ट पर आ गई। सो दैट मीन्स फोर्स क्या होता है, फोर्स इज नथिंग बट अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी ड्यू टू विच the motion in the body or oppose the motion of the body comes into play. What does it mean? इस definition का means क्या है? अब पुश और पुल, जब हम किसी बॉडी को पुश करते हैं या पुल करते हैं, जिसके कारण ड्यू टू विच द मोशन इन द बॉडी, जिसके कारण किसी बॉडी में मोशन प्रोड्यूस होता है, इसका मतलब स्टार्टिंग में बॉडी कहाँ थी, रेस्ट पर थी, जो हमने यहाँ पर इस एग्जांपल में इसको प्रूव किया। एंड सेकेंड और अपोज द मोशन ऑफ द बॉडी, और अपोज द मोशन ऑफ द बॉडी का मतलब क्या है, जहां पर बॉडी पहले से मोशन में थी हमने उसके मोशन को अपोज किया, दिस इज कॉल्ड द फोर्स, इसे हम फोर्स कहते हैं। नाउ सम इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स के क्या इफेक्ट हो सकते हैं किसी बॉडी पे,
In this article, Effect of Force, I will discuss which kind of effect can be produced on a body in which force is applied. Number one, it can produce the motion in the body. इस चीज को हमने जो प्रूव किया है विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल, इट कैन प्रोड्यूस द मोशन इन द बॉडी. इसका मतलब पहले से बॉडी किस में थी? रेस्ट पर थी, लेकिन यहां पर जैसे हमने किक किया तो बॉडी किस में आ गई? मोशन में आ गई. सो दिस इज फर्स्ट ऑफ द इफेक्ट ऑफ द फोर्स. सेकेंड इज इट कैन अपोज द मोशन इन द बॉडी. What does it mean? इस चीज को प्रूव करने के लिए हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया था. इस केस में हमने क्या कहा था कि बॉल पहले किस में थी? मोशन में थी, लेकिन हमने एक बैरियर लगाया विद द हेल्प ऑफ हैंड और जो मोशन था बॉल का वो स्टॉप हो गया. थर्ड वन इज इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी. अब फोर्स किसी बॉडी की स्पीड को कैसे चेंज करता है, इसके लिए मैं सेकंड वाला ही एग्जांपल लेके चल रही हूं. जैसे हमने कंसीडर की थी, दिस इज द बॉल एंड इन द बिगिनिंग दिस इज इन द पोजीशन ऑफ मोशन और ये इससे अकॉर्डिंग यहां पर मूव कर रहा है. हमने उसके बाद एक बैरियर लगाया था विद द हेल्प ऑफ हैंड. अब यहाँ पे क्या है, अगर बिगनिंग में ये वाली बॉल की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है और अगर हमने बैरियर लगाया, बैरियर लगाने के बाद क्या होगा, ये वाली बॉल जब यहाँ पर आएगी तो ये यहाँ पर भी मूव कर सकती है. जैसे ये यहाँ पर मूव करेगी, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दिया. और जैसे कोई बॉडी अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है तो डेफिनेटली उसकी स्पीड भी चेंज होती है. सो दैट मीन्स इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी. नेक्स्ट वन इज इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी. अबाउट दिस आई एम ऑलरेडी डिस्कस इन दिस एग्जाम्पल. एंड द फिफ्थ वन इज इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ फोर्स. हाउ कैन वी चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी? टू डिस्कस दिस लेट अस कंसीडर एन एग्जाम्पल ऑफ क्ले. आप सभी ने क्ले देखी होगी. इफ दिस इज द क्ले एंड इफ वी स्ट्रेच दिस क्ले, देन व्हाट विल हैपन? द साइज ऑफ दिस क्ले इज इंक्रीज. सो डेफिनेटली इट्स शेप एंड साइज इज चेंज व्हेन वी अप्लाइंग द फोर्स. This was about the force. Now moving towards the second article, that is introduction of work. In this article, we will discuss about the work. To discuss about the work, let us take some example of our daily life. Firstly, let us consider a student who was studying and in 1 hour he has completed his one unit of maths. Then, in the language of our daily life, what we will say? We will definitely say the work is done by the student, right? But, taking one more example to discuss this, let us consider this is a car. And in the beginning, this car is at rest. Now, a man comes and applying the force on this car in this direction. And again, this car doesn't move from its position, although the man is completely exhausted. So in our daily life, what will we say? We will say that the work is done by the man, right? These are some examples of our daily life in which we will say that the work is done by the student and the work is done by the man. But in the language of physics, the definition of work is something different. In definition of physics, work is said only when if we applied a force on a body and if it displaces from its original position, only then we can say that the work is done there. What I am saying, work is said to be done on a body only when
we applied a force on a body and the body displaces from its original position in the direction of force. इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स हम वर्क सिर्फ तभी कहेंगे कि अगर हमने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद वो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस हुई है. इसको डिस्कस करने के लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं. लेट अस कंसीडर दिस इज एन हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड लेट अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन दिस हॉरिजॉन्टल सरफेस एट अ पोजिशन ए. नाउ we are applying a force F on this object and it displaces from its position A to position B after covering a distance S. Only in this situation we can say that the work is done. So that means जो अभी हमने daily life example consider किए थे, in the language of physics we will say that there is no work. Why there is no work? Because by applying the force by a man on the rested car, the car does not displace. So that means there is no work done by the man in the language of physics. Now, work is defined as the product of the force applied on a body in the direction in which displacement is occur to the displacement occur in the same direction. That is, W is defined as F into S. Now, if we are discussing about the dimensional formula for the work, it will be the dimensional formula force is MLT minus 2 and displacement or distance. The formula for this is L. That is, the formula will become ML2T minus 2. This is about the topic work. Now, unit of work. Since we have already discussed W is equal to F into S. Here F is the force in the direction of the displacement and S is the displacement. Now, what is the unit of the work? If we are taking F is equal to 1 and S is equal to 1, then what we will get? W is equal to 1 into 1, that is 1. So that means the work done by a working substance is only unit only when unit amount of force is produced to displace the body to the unit. Now let us take one more unit. This is called the absolute unit of work. There are two absolute unit of work. First is CGS. CGS means centigram, centimeter, gram and second. In this case, the unit of the work is erg. And second is SI. SI means international system of unit. In this case, the unit of the work is joule. And this joule is represented by symbol J. There are a relation between both of this unit, and that is 1 joule is equal to 10 raised to power 7 erg. Work is defined as the product of the force applied on a body in the direction in which displacement is occur to the displacement occur in the same direction. That is, W is defined as F into S. Now, if we are discussing about the dimensional formula for the work, it will be the dimensional formula force is MLT minus 2 and displacement or distance. The formula for this is L. That is, the formula will become ML2T minus 2. This is about the topic work. Now,
unit of work. Since we have already discussed W is equal to F into S. Here F is the force in the direction of the displacement and S is the displacement. Now, what is the unit of the work? If we are taking F is equal to 1 and S is equal to 1, then what we will get? W is equal to 1 into 1, that is 1. So that means the work done by a working substance is only unit only when unit amount of force is produced to displace the body to the unit. Now let us take one more unit. This is called the absolute unit of work. There are two absolute unit of work. First is CGS. CGS means centigram, centimeter, gram and second. In this case, the unit of the work is erg. And second is SI. SI means international system of unit. In this case, the unit of the work is joule. And this joule is represented by symbol J. There are a relation between both of this unit, and that is 1 joule is equal to 10 raised to power 7 erg. Now, next is types of work. Now, in this article, we are considering about the categories or types of work. Work is defined into three types. First one is called positive work. Before proceeding about the positive work, first of all, I'm going to discuss you one more formula for the work, that is W is equal to Fs, that was we have already discussed, and also cos theta represent with this F and S. We will get about this formula in the next article. आपके पास W के लिए कोई फॉर्मूला होता है एफ एस कोस थीटा का, ये वाला फॉर्मूला कैसे आया इसके लिए हम नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे, उसमें ये वाला फॉर्मूला आपके पास आएगा. नाउ वी आर कंसीडरिंग अबाउट द पॉजिटिव वर्क. हमारे पास वर्क पॉजिटिव कब होता है? इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री. अगर थीटा जीरो डिग्री है एंड वी हैव ए फॉर्मूला W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा, इन दिस वी आर पुटिंग in place of theta 0. So what we will get? Fs cos 0 is equal to 1, that means Fs. तो यहां से हमारे पास क्या आया है कि आपके पास जो वर्क है वो पॉजिटिव है. अब हमारे पास वर्क के लिए ये वाला जो फॉर्मूला है जो कि पॉजिटिव वर्क के कारण है, इसको हम डिस्कस करें हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. टू डिस्कस दिस लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल. लेट दिस इज अ स्टोन which is situated at a point A from the horizontal surface at a distance h. हमने यहाँ पर एक स्टोन कंसीडर किया है जो कि A पॉइंट पे है, वो horizontal surface से h डिस्टेंस पर है. अब हमने इस स्टोन को यहाँ से थ्रो किया. जैसे हमने यहाँ पर थ्रो किया तो यहाँ पे स्टोन का क्योंकि मास है, और लेट अस कंसीडर दिस मास इज m, एंड डेफिनेटली इन द वर्टिकल डायरेक्शन अ फोर्स इज अकरिंग देयर, दैट इज W इज इक्वल टू एम जी. यहाँ पर एक फोर्स आ रहा है एम जी, तो इसका मतलब यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड. ये क्या डायरेक्शन है? फोर्स की. एंड ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, दैट मीन्स यहाँ पे जो एस है इसकी डायरेक्शन भी सेम है. अगर F की डायरेक्शन भी यही है, S की डायरेक्शन भी यही है, सो दैट मीन्स हेयर द थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री. एंड इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री, देन वर्क दैट वी विल गेट इज ऑलवेज पॉजिटिव. नाउ लेट अस मूव अबाउट द सेकेंड आर्टिकल, सेकेंड वर्क, दैट इज नेगेटिव वर्क. वर्क हमारे पास नेगेटिव कब होगा? जस्ट अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा. अगर हमारे पास यहाँ पे थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाए, सो दैट मीन्स W विल बिकम एफ एस कोस 180 डिग्री, दैट मीन्स एफ एस कोस 180 इज माइनस 1, दैट मीन्स माइनस एफ ऑफ एस. इन दिस सिचुएशन वी गेट W इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव साइन ऑफ एफ एस. सो दैट मीन्स इन दिस सिचुएशन वर्क विल बी नेगेटिव. अब इसको डिस्कस करने के लिए हम यही वाले एग्जांपल लेके चल रहे हैं. अब इस केस में सिर्फ हमने यहाँ पे ये कंसीडर किया, लेट अस कंसीडर जो हमारे पास यहाँ पे स्टोन है वो यहाँ पर है,
ग्राउंड पे है। अब हमने क्या किया, इसको ऊपर की तरफ इन द अपवर्ड डायरेक्शन हमने इसको थ्रो किया। थ्रो करने के बाद लेट अस कंसीडर ये इस ए पॉइंट पे आ चुका है। अब यहाँ पे क्या है, अगेन वर्टिकल डायरेक्शन में हमेशा एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में टुवर्ड्स द ग्रेविटी फोर्स एग्जिस्ट करता है, वो होता है एम जी। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, जो हमारा फोर्स है वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है लेकिन बॉडी ऊपर डिस्प्लेस हो रही है। सो दैट मीन्स जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं दोनों के डायरेक्शन ऑपोजिट है। डायरेक्शन ऑपोजिट होने का मतलब हमारे पास थीटा जो है वो यहाँ पे 180 डिग्री का है, एंड इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री देन W इज इक्वल टू नेगेटिव साइन ऑफ एफ ऑफ एस। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द नेगेटिव वर्क। थर्ड इज जीरो वर्क। अब वर्क की डेफिनेशन या फॉर्मूला जीरो कब होगा, हमने जस्ट अभी फॉर्मूला पढ़ा W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। इफ थीटा बिकम 90 डिग्री देन एफ एस कोस 90, एफ एस कोस 90, cos 90 since we know this is 0, so that means W will be equal to 0. तो इस केस में वर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इन एनी सिचुएशन इफ फोर्स एंड एस दैट मीन डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन इन दैट सिचुएशन द वर्क डन विल बी इक्वल टू 0 जूल। इसको डिस्कस करने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करे हैं। लेट अस कंसिडर दिस इज अ मैन एंड दिस मैन इज मूविंग on an horizontal surface in this direction, and also let us consider a box is placed on the head of this man. Now what will happen in this case, the person is moving in this direction, so that means in this case the displacement occur in this direction, and also because the box is placed on the head of that person, due to this box a downward force is existing there which is equal to mg. तो हमारे पास यहाँ पर क्या आया है, फोर्स की डायरेक्शन विच इज इक्वल टू एम जी वो आपके पास यहाँ है, एस आपके पास इस डायरेक्शन में है, सो दैट मीन्स द एंगल बिटवीन दीज टू क्वांटिटी इज 90 डिग्री। इफ द एंगल इज 90 डिग्री बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दैट मीन्स द वर्क विल बी इक्वल टू 0। दिस वाज अबाउट द टाइप ऑफ द वर्क। नाउ द रिमेनिंग आर्टिकल वर्क डन बाय अ कॉन्स्टेंट फोर्स आई विल डिस्कस दिस आर्टिकल इन द नेक्स्ट लेक्चर। इनफ फॉर टूडे, थैंक यू।